हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अस्वानी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको पाइथन में सॉकेट प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा। सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या होता है, अभी मैं इसका इंट्रो बताता हूँ और मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें कि आप एक कंप्यूटर या लैपटॉप को मोबाइल फोन से सॉकेट प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसका एक इंट्रो आपको बताता हूँ। हकीकत में आपके मन में पहला क्वेश्चन तो उठ रहा होगा, ये सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या होता है और उसका यूज़ कहाँ होता है, तो डेली लाइफ में हम कहाँ यूज़ करते हैं। देखिए, सॉकेट प्रोग्रामिंग अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हो या कभी भी किसी दो डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ आपको एक प्रोग्रामिंग जो यूज़ करना होता है वो होता है सॉकेट प्रोग्रामिंग। ये जावा में भी होता है, पाइथन में भी होता है और जहाँ तक मुझे पता है कि ये जावा के कंपैरिजन में पाइथन में बहुत इजीली परफॉर्म किया सकता है, तो मैं पाइथन में इसको इंप्लीमेंट करके बताता हूँ। चलिए, यहाँ पे कुछ मैंने लिखा, जरा इसको देखते हैं क्या लिखा है मैंने। सॉकेट प्रोग्रामिंग इज अ वे ऑफ कनेक्टिंग टू नोड्स ऑन ए नेटवर्क, यानी दो नोड्स, सपोज वो लैपटॉप या लैपटॉप भी हो सकते हैं या मोबाइल 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 भी हो सकते हैं, इन दो जो जो दो डिवाइसेस हैं वो एक नेटवर्क में कनेक्टेड हों और अगर वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पे इसको सॉकेट प्रोग्रामिंग के थ्रू ही ये परफॉर्म कर सकते हैं ये कम्युनिकेशन। तो अच्छा, एक और बात है, जब दोनों डिवाइसेस नोड वो नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं तो उन दोनों डिवाइसेस को आपको पता होगा कि एक आईपी एड्रेस अलोकेट होता है। आईपी एड्रेस एक 32 बिट का एड्रेस होता है, ये IPv4 भी होता है, IPv6 होता है, फिलहाल मैं IPv4 की बात कर रहा हूँ, भी 32 बिट का एड्रेस होता है जो यूनिक होता है। अच्छा, तो इसी आईपी एड्रेस के द्वारा वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अगर आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये कैसे काम करता है तो थोड़ा मैं यहाँ पे एक आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है सर्वर और क्लाइंट का। सर्वर और क्लाइंट, सर्वर क्या होता है, सपोज अभी आपने लिखा facebook.com, तो facebook.com के सर्वर से आपने क्या किया, रिक्वेस्ट किया। आप वो एक क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है, यानी जो ब्राउजर आप अपने पीसी में ओपन करते हो वो एक क्लाइंट की तरह बिहेव करता है और वो उस सर्वर से, फेसबुक के सर्वर से आपका डेटा लेके आता है। तो सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर मान के चलिए कि जो एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसका बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं, वो सारे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके उसको उनका रिस्पॉन्स देता है और क्लाइंट हमेशा उसको रिक्वेस्ट करता है। तो इसी क्लाइंट सर्वर मॉडल को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे सॉकेट प्रोग्रामिंग के थ्रू। अच्छा, आपके मन में सॉकेट वर्ड आपके घर में होता है, कुछ आपने सोचा होगा कि अच्छा सॉकेट एक जगह होता है जहां कुछ पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहां पे भी होता है और यहां सॉकेट के साथ एक पोर्ट नंबर एसोसिएटेड होता है। तो वो पोर्ट नंबर क्या होता है ये मैं आगे आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक क्लाइंट सर्वर मॉडल का एक इमेज लिया है, जरा देखिए। इसमें मैंने लिखा है सर्वर में पहले क्या होता है, एक सॉकेट की जरूरत होती है, फिर हम सॉकेट को ऑप्ट करते हैं, मतलब कि सॉकेट पॉइंट को चुनते हैं, उसके बाद उसको बाइंड करते हैं, लिसन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, सेंड रिसीव करते हैं, यही क्लाइंट के साथ होता है। तो चलिए, ये जो मॉडल हमने बनाया है इस मॉडल को मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। चलिए, तो इसके लिए मैं अपने पाइचाम एडिटर का यूज कर रहा हूँ। यहाँ मैंने ये प्रोग्राम बनाया था, फिर भी मैं नया प्रोग्राम आपके लिए बनाता हूँ। तो यहाँ मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ और फाइल का नाम रख देता हूँ सर्वर टेस्ट, ठीक है। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे एक मॉड्यूल का यूज करना होगा जिसका नाम है सॉकेट। ये मॉड्यूल पहले से प्री इंस्टॉल आता है इसलिए आपको कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, आप बस इंपोर्ट और सॉकेट लिख दीजिए। इसके बाद SOCKET सॉकेट। अब आपको इस के अंदर सॉकेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो चलिए मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, OB = socket.socket। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मुझे इस कनेक्शन को बाइंड करना होगा। अच्छा, आपको ये बता दो, जो कनेक्शन होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है TCP और एक होता है UDP। TCP मतलब जिसमें कनेक्शन ओरिएंटेड और एक कनेक्शन लेस, मतलब एक वाईफाई कम्युनिकेशन मान के चलिए, और एक जैसे हम कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब हम एक नोड जो दूसरे नोड से कनेक्ट हो रहा है उनके बीच में कोई एक कम्युनिकेशन मीडियम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वायर है, तो हम यहाँ पे उस कनेक्शन को बाइंड करते हैं। बाइंड करने के लिए मुझे लिखना होगा OB.bind और
ये बाइंड जो होता है ये फंक्शन एक टपल के रूप में आर्गुमेंट लेता है, ये ध्यान रखिएगा। तो टपल के लिए मैंने पहले एक ब्रैकेट बना दिया, अब ये किससे कनेक्ट होगा, तो मैं मान के चल रहा हूँ अभी ये मेरा जो कंप्यूटर है फिलहाल करेंटली यही मेरा सर्वर भी है और यही मेरा क्लाइंट की तरह बिहेव करेगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ लोकल होस्ट, या मैं यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिख सकता हूँ 127.0.0.1, ये लोकल होस्ट की आईपी एड्रेस होता है। तो ये आप लोकल होस्ट लिख लो और इसके बाद एक पोर्ट नंबर लिखना होता है। ये पोर्ट नंबर क्या होता है कि मतलब जैसे सपोज आप कोई मेल भेजते हो तो कंप्यूटर में मेल एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर से आता है, एसएमटीपी, ठीक, एसएमटीपी का पोर्ट नंबर होता है, एफटीपी का पोर्ट नंबर होता है, पोर्ट नंबर 80 जो आप हाइपर एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज करता है। तो इसी तरीके से हर काम के लिए एक पोर्ट नंबर होता है, जो कोई भी पोर्ट नंबर आप यूज कर सकते हो, ये कंप्यूटर के अंदर जो पोर्ट नंबर होता है वो 0 से लेके और 655536 के बीच का नंबर होता है, मतलब 2 के पावर 16। तो आप जनरली कोई भी नंबर ले लो, मैं एक नंबर ले रहता हूँ 2301। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि मैंने क्यों लिया, तो मैं बताता हूँ ये मेरी गाड़ी का नंबर है, मैं यही पोर्ट नंबर ले लेता हूँ। हाँ, ये बात है कि पोर्ट नंबर फ्री होना चाहिए, अगर ये पोर्ट नंबर फ्री नहीं होगा तो आपको एक एरर आ सकता है, ठीक है। तो चलिए इस मैं काम कर लेता हूँ कि ये पोर्ट नंबर ले लिया मैंने, अब इसको मैंने बाइंड कर दिया। अब बाइंड करने के बाद देखिए ये स्टेप मैं यहीं से लेके चल रहा हूँ, यहाँ सॉकेट बाइंड। अब यहाँ पे मेरे सामने अगला क्वेश्चन है कि लिसन का, लिसन का मतलब है कि जब ये कनेक्टिविटी ये सर्वर कितने लोग को एक साथ रिस्पॉन्स कर सकता है, तो उसी के लिए मुझे लिखना होता है यहाँ पे लिसन, वो भी डॉट लिसन। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया कि ये 4 लोग को लिसन कर सकता है, यानी एक साथ 4 कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सकते हैं। अगर 5वां कनेक्शन इस्टेब्लिश होने की कोशिश करेगा तो ये उसको अबॉर्ट कर देगा उस कनेक्शन को, यानी ये नंबर ऑफ मैक्सिमम कनेक्शन है। अब इसके बाद इसको एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। तो ओ बी डॉट एक्सेप्ट एक मेथड होता है, ACCEPT एक्सेप्ट एक मेथड होता है, और ये जो मेथड होता है ये हमको दो चीज रिटर्न करता है। पहला तो जो क्लाइंट का ऑब्जेक्ट होगा, यानी CLIENT क्लाइंट ऑब्जेक्ट कॉमा उसका एड्रेस, ये दो चीज हमको रिटर्न करेगा। तो मैंने इन चीजों को दो को एक अलग अलग वेरिएबल में डाल दिया। अच्छा, अब मैं चाहूँ तो इसको प्रिंट कराऊं, इसके देखूं कि एड्रेस क्या क्या प्रिंट कर रहा है। तो मैं प्रिंट करता हूं, प्रिंट एक लिख देता हूं और सिंपल मैं इसमें लिख देता हूं कि कनेक्टेड, मतलब उसका एड्रेस प्रिंट करवाता हूं जिससे ये कनेक्ट होगा, CTE कनेक्टेड विथ दिस एड्रेस, ठीक है। और एड्रेस की वैल्यू जो है मेरे AWE के अंदर है। अच्छा, मैं एक काम कर देता हूँ, ये प्रोग्राम रन करेगा तो मुझे कैसे पता ये प्रोग्राम रन कर रहा, तो मैं लिख दूंगा प्रिंट सर्वर इज रेडी टू एक्सेप्ट कनेक्शन, ठीक है। अच्छा, एक काम मैं और कर देता हूँ, कनेक्शन काम खत्म होने के बाद आपको पता है कि कनेक्शन को क्लोज करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है, तो मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उससे मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप इसको पूरा आराम से ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन से इस लैपटॉप की कनेक्टिविटी भी दिखाऊंगा, तो आपको पूरे वीडियो को मतलब बने रहना होगा, बीच में ब्रेक मत करिएगा और हर लाइन को एंजॉय करिए। चलिए, इतने के बाद मैं ये क्लाइंट का मेरा प्रोग्राम बन गया। मैं एक काम करता हूँ, मुझे जैसे सर्वर बनाया मुझे क्लाइंट के लिए भी बनाना होगा ये काम, तो मैं एक नई फाइल और बना लेता हूँ, न्यू और पाइथन फाइल, और मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लाइंट CLIENT क्लाइंट टेस्ट, ठीक है, और मैं इसको रख देता हूँ। अब आइए देखा जाए, तो अब ध्यान दीजिएगा मैंने जो लिखा था ये वाला मैंने काम कर लिया, अब सेंड और रिसीव का काम करना है और क्लाइंट के पास भी यही सारे काम होंगे, यानी सॉकेट का काम इसको भी करना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ चलता हूँ दोबारा, और जो सर्वर की मैंने कोडिंग लिखी है उसको मैं पूरी कॉपी कर लेता हूँ 2 मिनट के लिए, Ctrl+C, और क्लाइंट टेस्ट में मैं इसको यही रख देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ काम करना होगा, देखिए पहले तो मुझे सॉकेट का को इंपोर्ट करना होगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। अब मुझे जिस क्लाइंट से इंटरेक्ट करना है मुझे वो क्लाइंट को यहाँ पे भी बाइंड करना होगा, क्योंकि यहाँ क्लाइंट है तो लिसन करने का काम नहीं होगा यहाँ पे, और
यहाँ पे जो काम होगा वो सेंड करने का काम होगा। तो मैंने इसको पहले कनेक्ट कर लेगा, अच्छा ये बाइंड करने की जगह मैं इसको कर लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा प्रोग्राम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, तो थोड़ा मेरा सही रहेगा। तो कंट्रोल से मैंने कुछ किया नहीं है, आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने ये लिखा है कि ओबी डॉट कनेक्ट, जो वहाँ बाइंड करने का काम था वो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप देखोगे कि मेरे इस मॉडल में कनेक्ट लिखा है, बाइंड नहीं लिखा है, कनेक्ट लिखा है। मुझे चूंकि क्लाइंट साइड की प्रोग्रामिंग है तो क्लाइंट में कनेक्ट होता है, ठीक है, किससे कनेक्ट करना है तो उस सर्वर से जिसका आईपी एड्रेस ये है और जिसका पोर्ट नंबर ये है, ठीक है। और मैं काम करने के बाद कनेक्शन को क्लोज कर देता हूँ। चलिए मैं इसको रन करवा के चेक करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ और पहले रन करवाता हूँ, पहले सर्वर को रन करवाता हूँ। ओह देखिएगा स्पेलिंग, यस ओ स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, यस ओ सी के ई टी सॉकेट होगा, ठीक है। दोबारा रन करवाता हूँ मैं, देखिए ये मैसेज आ गया हमारा कि ठीक है। अब मैं क्या करूँ, जब इस पर एड्रेस आएगा तो मैं इसके लिए क्लाइंट को रन करवाता हूँ, क्लाइंट को रन करवाता हूँ, क्लाइंट टेस्ट को सॉरी, देखिए क्या होता है, ठीक ये भी रन हो गया, वहाँ पे भी मैंने नेम गलती लिखी थी सी के ई टी, ये कॉपी पेस्ट का मिस्टेक था मेरा। दोबारा रन करवाता हूँ, देखिए यहाँ पे ये आया, इसने कुछ मैसेज यहाँ से सेंड किया है। अब मैं सर्वर पे चलता हूँ, देखो मुझे क्या, देखिए सर्वर पे चला तो सर्वर के पास ये मैसेज आ गया कि ये इससे कनेक्टेड है। अब मैसेज सेंड करने का मेरा काम अभी बाकी है, तो मैसेज सेंड करने का काम भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए अब सेंड और रिसीव का काम बाकी है मेरा, जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो सेंड और रिसीव करना चाहता है, ठीक है। अभी मैंने कनेक्ट किया, सर्वर एस्टेब्लिश किया, अब मैं सेंड रिसीव करने के लिए मुझे एक वेरिएबल लेना होगा और कंट्रोल सी, मैं इसको यहाँ एक वेरिएबल लिख लेता हूँ, कंट्रोल भी कर देता हूँ। देखिए मैंने क्या लिखा है, मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया गॉट मैसेज का, जो क्लाइंट के अंदर है। अच्छा यहाँ मैंने क्लाइंट ऑब्जेक्ट लिखा है, तो क्लाइंट का जो ऑब्जेक्ट बनता है उस वही सेंड या रिसीव का काम कर सकता है, चूंकि मेरा सर्वर है तो फिलहाल मैं अभी इसे रिसीव करवा रहा हूँ। अच्छा यहाँ मैंने एक जो चीज़ वैल्यू लिखी है, ये काम जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं कमेंट लिख डाल देता हूँ, रिसीव द डेटा फ्रॉम क्लाइंट, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल में ये वैल्यू लेके आऊँगा जो भी मैसेज मुझे मिलेगा। अच्छा तो रिसीव नाम का मेथड होता है, रिसीवी नाम का मेथड होता है, इसके अंदर ये जो वैल्यू है ये मेरी ये बताता है कि बफर की साइज क्या होगी, मतलब जो मैं डेटा रिसीव करूंगा तो कितना डेटा एक बार में मैं सेंड या रिसीव कर सकता हूँ। तो ये 1 MB तक का फॉर्मेट है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे मैं जो भी मैसेज मिलेगा मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप TCP/IP प्रोटोकॉल को देखते हैं तो वहाँ एक इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट होता है, तो वहाँ पे एक फॉन्ट यूज होता है, जब क्लाइंट भेजता है तो वो इसको इनकोड करके भेजेगा और फिर मैं इसको यहाँ पे डिकोड करूंगा। तो और यहाँ पे एक चीज लिखा UTF-8, UTF-8 क्या होता है, तो UTF-8 एक ट्रांसमिशन फॉर्मेट होता है, देखिए मैंने यहाँ पे खोल के रखा हो, तो ये एक फॉर्मेट है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो ये फॉर्मेट है, आप इसके बारे में डिटेल नेट से जाके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, क्लाइंट साइड पे फिर मैं कोडिंग लिखता हूँ, क्लाइंट साइड पे मुझे सेम काम करना पड़ेगा, जो मैं मैसेज लिखा था इसको मैं सेंड करना चाहता हूँ। सेंड करने के लिए मुझे सेंड मेथड का यूज करना होगा, ठीक है। और सेंड मेथड का यूज करते समय मुझे यहाँ पे इनकोड करना होगा, यही चीज मैं वहां डिकोड करूंगा और वहां जो फॉर्मेट लिखा है वो UTF-8 यहाँ पे भी होगा। अब चलिए अब देखिए हमारा क्लाइंट ये मैसेज भेज रहा होगा और यही सर्वर पे हमको मैसेज मिल भी जाएगा। चलिए मैं इसको दोबारा रन करवाता हूँ, सर्वर टेस्ट, और ये मेरा सर्वर रन कर रहा है। अब मैं क्लाइंट टेस्ट को रन कर रहा हूँ, ये देखिए
क्लाइंट ने सेंड किया डेटा तो मुझे सर्वर पे मिलना चाहिए, तो मैं सर्वर पर दोबारा जाके देखता हूँ। देखिए सर्वर को तो ये कनेक्ट हो गया लेकिन डेटा सेंड नहीं हुआ। एक मिनट मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये लाइन क्लोज नहीं करता हूँ अभी कनेक्शन, ठीक है। और इसको मैंने गलती से मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया शायद कनेक्शन पहले ही, इसीलिए ये आउटपुट मुझे नहीं दे रहा है, ठीक है। पहले क्लोज कर दीजिए इसको, अभी मैं बाद में इस चीज को इम्प्लीमेंट करूंगा सेम चीज को, बाकी और कोई चेंजेस नहीं करना क्योंकि कनेक्शन क्लोज हो जाने की वजह से ये हमारा सर्वर दोबारा रन करवाना पड़ेगा। सर्वर रन हो रहा है दोबारा, मैं दोबारा रन करवाता हूँ इसको। अब की बार देखिए मैंने यहाँ सर्वर रन करवा दिया, क्लाइंट रन करवाया। अब मैं सर्वर को रन नहीं करवाऊंगा, सर्वर पे जाऊंगा और टर्मिनल में देखूंगा तो मेरा डेटा मिलना चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है, ये सेंड हो गया। सर्वर टेस्ट पे मुझे कुछ गड़बड़ मैंने लिख दिया है क्या? गॉट मैसेज, ओ मैंने मैसेज को प्रिंट भी नहीं करवाया यहाँ पे, ठीक है। प्रिंट करवाना है मुझे किसको, जो गॉट मैसेज नाम का वेरिएबल है तभी तो मुझे वो डेटा मिलेगा, ये मैंने गलती कर दिया था। चलिए दोबारा रन करवाते हैं इसको, ठीक है। क्लाइंट को क्लोज कर देता हूँ, क्लाइंट को भी दोबारा रन करवाता हूँ, अब की बार सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए सर्वर पे देखिए तो मुझे मैसेज मिल गया, हेलो दिस इज द फर्स्ट क्लाइंट। देखिए क्लाइंट ने मुझे ये भेजा डेटा और ये डेटा मुझे सर्वर पे मिल गया। अब चूंकि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट बार बार डेटा भेजता रहे तो मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे काम ये करना पड़ेगा कि मुझे एक लूप का कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा ताकि ये बार बार कनेक्शन से डेटा एस्टेब्लिश करते रहे। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ मैंने काम किया, देखिए मैं अब यहाँ से चीजें थोड़ी कॉपी कर लेता हूँ तो थोड़ा जल्दी काम खत्म हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है, तो मैं दिखाता हूँ क्या किया मैंने। मैंने बस इतना किया है कि ये जो मैं कोडिंग लिख रहा था, ठीक है, मैं यहाँ से ये चीज कमेंट कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद क्लाइंट पे कोडिंग पेस्ट करता हूँ, ध्यान दीजिए क्या लिखा मैंने। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, कौन नाम से, इसको मैंने ट्रू कर दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं व्हाइल कौन ट्रू है जब तक, तो मैं मैसेज को रन टाइम पे इनपुट लेना चाहता हूँ, तो मैंने इनपुट नाम का एक वेरिएबल ले लिया, सॉरी इनपुट नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया और जो डेटा मिल रहा है उस मैसेज को मैं इनकोड कर दे रहा हूँ। इनकोड करने के बाद अगर मैसेज की वैल्यू नो होगी तो कनेक्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा, यानी क्लाइंट हमेशा डेटा भेजता रहेगा, जब तक कि क्लाइंट नो नहीं भेजता है हमारा कनेक्शन बना रहेगा, नो भेजने के साथ साथ कनेक्शन फॉल्स हो जाएगा। सेम काम मुझे सर्वर पे भी करना होगा, क्योंकि सर्वर जो डेटा रिसीव कर रहा है वो इसको भी मैं सेम कॉन्सेप्ट वही लिख देता हूं। अच्छा कंट्रोल सी, और देखिए मैं एक काम करता हूं फिर से, ये लाइन मेरी फालतू की है, मैं इसको हटा ही देता हूं। ये देखिए ये मैसेज मिल रहा था सर्विस रेडी पॉफ कनेक्शन, मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, ये कमेंट डाल देता हूँ यहाँ तक, यही चीज़ मुझे फिर से यहाँ पे भी, क्योंकि वो इनफाइनाइट डेटा इनफाइनाइट लूप में डाल दिया मैंने इसको, तो और यहाँ वहाँ पे डेटा भेज रहा, तो यहाँ पे भी मैं सेम काम कर रहा हूँ। देखा जाए तो अगर आप ध्यान देंगे तो ज़रा कोड को ध्यान से देखिएगा, तो इससे पहले भी मैं वही काम कर रहा था, बस मैंने एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल जो लिया उसमें ट्रू डाल दिया, फिर मैंने इनफाइनाइट लूप में डाल दिया क्या कि वो बार बार डेटा रिसीव करता रहे, उसको डिकोड करता रहे, उसको प्रिंट करता रहे। अच्छा जब नो भेजेगा, नो भेजने का मतलब है कि वहां से स्ट्रिंग की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैं चाहता हूँ गॉट मैसेज क्या आए, कुछ ना आए, तो क्योंकि वहां कनेक्शन मैंने फॉल्स कर दिया, ध्यान दीजिएगा मैंने अगर नो भेजा है, ठीक है, तो कनेक्शन फॉल्स हो गया, यानी कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। और कनेक्शन फॉल्स हो जाएगा तो अगली बार गॉट मैसेज की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो मैं क्या कर देता हूँ इसको क्लोज कर देता हूँ, मैंने सिंपल एक लाइन की कोडिंग की है। अब मैं इसको रन करवा के दिखाता हूँ आपको, रन करिए और चेक करिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये हमारा हो गया, अब मैं चलता हूँ यहाँ पे और क्लाइंट को भी रन करवाता हूँ और क्लाइंट को भी रन करवाया, ठीक है। क्लाइंट इंटरव्यू मैसेज का दे दिया, देखिए मैंने कहा हाय,
ठीक है, हाय लिखा सर्वर पे आके चेक करिए। तो देखिए इसको हाय मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं, क्यों? हाय, अच्छा इंटर नहीं किया मैंने, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हाय मिल गया। अगली बार फिर से मैं क्लाइंट पे चलता हूँ, हेलो लिख देता हूँ और इंटर करता हूँ। ये बात फिर से सर्वर पे मिल गई होगी। अब मैं क्लाइंट पे चलता हूँ और लिख देता हूँ नो, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से ये फिनिश हो गया क्योंकि मैंने लिखा था कनेक्शन फॉल्स हो जाना। मैं सर्वर पे चेक करता हूँ तो सर्वर भी क्या होना चाहिए था, सर्वर भी फिनिश कर दिया अपने कोड को, उसको क्लोज कर दिया। चलिए इस तरीके से अभी मेरा ही कंप्यूटर क्लाइंट था और मेरा ही कंप्यूटर सर्वर भी था। अब मेरा क्वेश्चन उठता है कि मैं इस लैपटॉप के साथ अपने मोबाइल को कनेक्ट करना चाहता हूँ। इस मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इस मोबाइल और लैपटॉप को एक नेटवर्क में करना होगा। नेटवर्क में करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, कोई भी एक वाईफाई कनेक्शन ले लो, उस वाईफाई कनेक्शन से आप अपने मोबाइल को भी कनेक्ट कर लेना और लैपटॉप को भी कनेक्ट कर लेना। चलिए तो मैंने एक अपने कनेक्शन से मोबाइल और लैपटॉप को एक ही नेटवर्क में डाल दिया है। अब दोनों का इस सर्वर क्लाइंट का आईपी एड्रेस लेना होगा, सॉरी सर्वर का आईपी एड्रेस। मतलब मान लीजिए ये जो मेरा लैपटॉप है वही मेरा अभी सर्वर है। तो आईपी एड्रेस देखने के लिए आप क्या करना, जिस भी नेटवर्क में आप कनेक्ट किए हो उस पर राइट क्लिक करना, ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में चले जाना, चेंज अडाप्टर सेटिंग में चलना, यहाँ पे वाईफाई है इस पर क्लिक करना और इसके डिटेल्स में चले जाना। और डिटेल्स में जाके यहाँ पे एक आईपी एड्रेस मिलेगा। ये आईपी एड्रेस आपको क्या करना होगा, जब आप लोकल होस्ट लिखे थे उसका मतलब था उस समय आपका जो कंप्यूटर था वही सर्वर भी था और वही क्या था, क्लाइंट भी था। तो आपको ये आईपी एड्रेस अब क्या करना होगा, सर्वर के इसमें डालना होगा, ठीक है। तो सर्वर के इसमें डालने के लिए ये आईपी एड्रेस जो था वो था, एक बार ध्यान देना था मुझे, ये शायद यही था मेरे पास जो मैंने यहाँ पे लिखा है 192 पॉइंट, ये आपको कॉपी कर लीजिएगा वहाँ पे। आप अपना ही एड्रेस डालिए इसमें, मेरा वाला मत डाल दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आप इस सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हो मोबाइल को। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मोबाइल से आप कनेक्ट करोगे कैसे, मोबाइल में पाइथन का प्रोग्राम रन कैसे करोगे। तो चलो इस बात को मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन शेयर किया है, ठीक है। ये मोबाइल का मेरा स्क्रीन है और इस मोबाइल के स्क्रीन पे आपको पाइथन का प्रोग्राम रन करवाना है। तो पाइथन का प्रोग्राम रन करवाने के लिए देखिए मैं थोड़ा इसको किनारे कर देता हूँ, किनारे आपको दिखे पहले, ठीक है। ठीक, इसको रन करवाने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा, प्ले स्टोर आपके पास होगा ही। और यहाँ पे मेरे में प्ले स्टोर, मैंने प्ले स्टोर पे जाइएगा और आप लिख लीजिएगा यहाँ Q Python 3, ठीक है। एक ऐप आता है Q Python 3, ठीक है। मेरा थोड़ा सिस्टम स्लो है तो कोई बात नहीं, मैं इस चीज को स्किप कर देता हूँ। Q Python 3 मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप लिखिएगा जाके यहाँ पे Q Python 3। मेरा मोबाइल थोड़ा स्लो काम करता है इसलिए मैं मजबूर हूँ ये चीज इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको, हेलो, हाँ सॉरी फॉर दिस, हमारा कंप्यूटर थोड़ा हैंग कर गया था तो मैंने इसको दोबारा कनेक्ट किया है। तो अब मैं बताना चाहता था कि मेरे लैपटॉप में मैंने अपने मोबाइल फोन में एक ऐप इंस्टॉल किया, इसका नाम है Q Python 3, ठीक है। जो ऐप आप यहाँ से देख सकते हो, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना। मैंने इस ऐप के अंदर अपना प्रोग्राम लिख के रखा है, तो आप इस ऐप के अंदर अपना प्रोग्राम लिख के रख सकते हैं। और आप देखिए तो मैंने ये प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम जो क्लाइंट टेस्ट यहाँ बनाया था वही प्रोग्राम मैंने अपने इस मोबाइल में लिख के रखा है। इस बार मैं अपने मोबाइल को यूज़ करने वाला हूँ, तो पहले मैं सर्वर को दोबारा रन करवाता हूँ, क्लाइंट को भी बार मैं मोबाइल से रन कराऊंगा। तो मैं सर्वर को दोबारा, मेरी स्क्रीन आपके सामने मोबाइल की दिख रही होगी यहाँ पे, तो मैं इसको दोबारा रन करवाता हूँ सर्वर को। और मेरे अब मैं क्लाइंट को नहीं रन करवाने वाला हूँ यहाँ से, क्लाइंट मेरा यहाँ से एग्जीक्यूट कराऊंगा। देखिए यहाँ पे नीचे ये एरो का बटन है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मेरा पाइथन का प्रोग्राम यहाँ पे रन हो जाएगा। ये थोड़ा सा कभी कभी मेरा सिस्टम हैंग कर जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं समय देता हूँ, ये अभी रन कर जाएगा। रन करने के बाद मैं इससे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकता हूँ।
हेलो। हाँ तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ मैसेज आ गया है इंटरव्यू और मैसेज। जब मैं यहाँ से लिखता हूँ हाय, ठीक है, और मैं यहाँ इंटर बटन पर क्लिक करता हूँ, आप देखिए यहाँ हमें क्लाइंट पे सर्वर पे मिल रहा हाय। मैं हेलो लिखता हूँ, जो भी लिखता हूँ वो यहाँ पे मिल रहा। अगर मैं यहाँ लिखूँ नो, तो इस तरीके से हमारा कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। सॉरी, नो लिखना, मुझे नो लिखने पे ही कनेक्शन टर्मिनेट होगा। नो लिखूंगा, कनेक्शन हमारा फिनिश हो गया। आप इस तरीके से अपने मोबाइल को और अपने लैपटॉप को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।